और ये हमारी सामग्री जो हैश ब्राउनी में डलेगी, इतना सारा बटर, यहाँ पे है ड्राई फ्रूट्स, ये है डार्क चॉकलेट, और ये है मेन चीज हैश। हैश को क्रश कर रहे हैं ये। इससे भाई कोई नशे नुशे आते हैं क्या? सुना बहुत है इसके बारे में भाई, लोग आते होंगे खाने। हाँ जी हाँ जी, खूब लोग आते हैं। हाँ जी, तो वो क्या मतलब खा के फिर नशे में जाते हैं, फुल नशे में, फुल पावर वाले नशे तो हो गए हमें ना। अच्छा, इसके बाद क्या डाला? ये हैश, ये बना रहे हैं बोल। गरम नहीं लग रही भाई ये तो? गरम गरम है अभी, गरम गरम थे ना, इतना गरम भी नहीं है। ओ तेरा भाई किससे कम है, ओ तेरे भाई में भी दम है। सो वी रीच दैट छलाल, छलाल की तंगलियों को ट्रैक करके हम पहुंच गए हैं छलाल। भाई ये है छलाल का मेन पॉइंट, जो कि छलाल चौक है। यहाँ से जो ये रास्ता जाता है, जाता है रसोल की तरफ। रसोल बहुत अच्छी जगह, अगर आप जाना चाहें तो वहाँ जा सकते हैं, हम वहाँ नहीं जा रहे। और नीचे कसोल जहाँ से हम आए हैं। और अभी यहाँ पे एक चीज़ है जो भाई बहुत फेमस है, वो है हैश ब्राउनी। उसका पता करते हैं भाई कहाँ मिलेगी वो हमें। Hey, I got something to... काफी देर ढूंढने के बाद हमारी मुलाकात हुई एक बंदे से जो कि हैश ब्राउनीज बनाता था। और जब मैंने उस बंदे को कहा कि हमें हैश ब्राउनीज बनाने का प्रोसीजर देखना है और उस प्रोसीजर को मैं शूट भी करना चाहता हूं, तो उस बंदे ने कहा कि ठीक है आप शूट कर लो, लेकिन एक कंडीशन है कि वीडियो में आप हमारा फेस एंड हमारा एड्रेस नहीं दिखाना। इस बात पर हमने एग्री करते हुए कहा कि ठीक है आप हमें दिखाओ कि कैसे बनते हैं हैश ब्राउनी। देन उसके बाद हम लोग वहाँ पे गए उस बंदे के साथ और हमने भी उस चीज़ को देखा, हैश ब्राउनी को बनते हुए, और उसको शूट भी किया। और अब आप लोग देखोगे कैसे बनती है हैश ब्राउनी और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूज होते हैं हैश ब्राउनीज बनने में। तो भाई ये स्टार्ट हो गया है हमारा हैश ब्राउनी बनने का प्रोसेस। भाई सबसे पहले क्या डाला आपने इसमें? हैश क्रश कर रहे हैं, हैश को क्रश कर रहे हैं जी। इससे भाई कोई नशे नुशे आते हैं क्या? सुना बहुत है इसके बारे में, नशा तो हो जाएगा ना वैसे। कितनी क्वांटिटी है इसको, कितने लोग खा सकते हैं? तो आपका ऊपर डिपेंड करता है आप कितना नशा करेंगे। अच्छा, जो ज़्यादा नशा करते वो लोग तो एक को एक ही खाते हैं। अगर आप कम करते हैं तो दो तीन बंदे एक को खा सकते। ठीक है, अभी ये हैश क्रश कर रहे हैं। इसमें कितने ग्राम डाल रहे हो आप? ये हैश 2 ग्राम का है, 2 ग्राम। अगर आप जितना चाहेंगे उतना का भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग लाइक। और भाई जो ये लोग हैं इन्होंने फेस डालने से मना किया, अपना फेस दिखाना वैसे भी सही नहीं है। बस आपको प्रोसेस दिखा देंगे कैसे बनती है हैश ब्राउनी। और भाई एक डिस्क्लेमर है कि इसको घर पे कोई ट्राई ना करे, हम किसी भी नशे को प्रमोट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। और जो ये जगह भाई, ये जगह का एड्रेस मैं आपको बता नहीं सकता, तो आप जैसे छलाल आओ तो भाई आपको खुद खोजनी पड़ेगी ये जगह, जैसे हमने खोजी है। यहाँ पर आपको कोई बताता भी नहीं, आपको खुद खोजनी पड़ती है दरवाजियों में घूम घूम के। भाई लोग आते होंगे खाने। हाँ जी हाँ जी, खूब लोग आते हैं। हाँ जी, तो वो क्या मतलब खा के फिर नशे में जाते हैं, फुल नशे में, फुल पावर वाले नशे तो हो गए हमें ना। अच्छा, और ये हमारी सामग्री जो हैश ब्राउनी में डलेगी, इतना सारा बटर, यहाँ पे है ड्राई फ्रूट्स, ये है डार्क चॉकलेट, और ये है मेन चीज़ हैश। उसके बाद भाई आपको लो फ्लेम के ऊपर एक बर्तन रखना है जिसके अंदर हैश ब्राउनी हमारी बनेगी। बटर को पूरा मेल्ट होने दिया जाएगा ना। इसके बाद क्या डाला? ये हैश, इसको क्या ऐसे रोस्ट करना होता है बटर के अंदर, क्या रोटी डालना होता है बटर के अंदर, बिल्कुल अच्छे से बिगाड़ना है इसको। डालना है आपको दूध, अब डालेंगे दूध। दूध के ऊपर चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स, जब तक चॉकलेट मेल्ट नहीं होती इसको ऐसे ही रखना होगा, धीमे धीमे आंच पर ये पकेगा। ये क्या चीज़ है भाई? चॉकलेट पाउडर, ये है चॉकलेट पाउडर। और भाई जो ये लोग हैं इन्होंने मना किया है फेस दिखाने से, बस हम आपको यही दिखाएंगे। ये चॉकलेट सिरप, चॉकलेट सिरप, अब डालेंगे इसमें शुगर। अब इसको कितनी देर तक, जब तक चॉकलेट मेल्ट नहीं होगी तब तक इसको आप ऐसे ही रखोगे? लो फ्लेम पे ज़्यादा अच्छी बनती है ये। हाँ जी, ये अच्छी बनती है लो फ्लेम में, आपको जितना जल्दी होगा तो जल्दी भी कर सकते हैं, बड़ा गैस करके ना। अच्छा, कलर चेंज हो गया चॉकलेट मिलने के बाद इसमें ना। इसमें और क्या डालोगे आप? बिस्किट डालेगा भाई जी, बिस्किट को पीस के ना। अच्छा, बिस्किट को क्रश करके, मुद्दे और पार्ले जी कोई भी डाल सकते हैं बिस्किट। हैश ब्राउनी बनने का जो प्रोसेस होता है कितनी देर का होता है टोटल? ये 10 मिनट में बन जाएगा। 10 मिनट बस? जो ये गुड्डे और पार्ले जी बिस्किट पीस के रखा है, ये बिस्किट का क्रश किया हुआ पहले रखते हैं ये।
कितना डालते हो भाई आप? चार बंदो पांच बंदो के अंदर हो जाती है क्या? नहीं वो तो मैंने बोला ना पहले, तो आप कितना नशा करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। अच्छा अच्छा, अगर हैश ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा लोग खा सकते हैं, कम डालेंगे तो कम लोग खा सकते हैं। और ये नॉन स्टिक की बर्तन में अच्छी बनती है ना? हाँ जी। और इसकी क्या क्या खासियत है जो इसके अंदर आपने डाला है, वो कहाँ की है? ये रसोल का। रसोल का? हाँ जी। ओके, रसोल तो छलाल से थोड़ी सी दूर है, जो जो छलाल रसोल से भी ऊपर जाना पड़ता है ना, बहुत ऊपर। अगर रसोल का बोलते हैं ना, रसोल से भी बहुत ऊपर के बनता है ये तो। अच्छा, खेती वहीं पे होती है इसकी? हाँ जी खेती। अभी ये बन के एकदम तैयार हो गया है, अब इसको थोड़ा ठंडा होने का हम वेट करेंगे। ये आपने पहले हाथ पे क्या किया है? बटर लगाया है, नहीं तो हाथ में चिपक जाता है। अच्छा, हाथ पे चिपके ना, इसलिए बटर लगाया हाथ पे पहले। ये बना रहे हैं बोल। गरम नहीं लग रही भाई ये तो? गरम गरम है अभी। गरम गरम थे ना, इतना गरम भी नहीं है। ये भाई ने रख दिया प्लेट पे, और इसके बाद इसके ऊपर आ गए हैं ड्राई फ्रूट्स। इसके ऊपर उन्होंने डाला है स्ट्रॉबेरी सिरप। और ये है चॉकलेट सिरप। यस रेडी भाई। रेडी। ਮਾੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ।